कराची में पसंद की शादी का भयानक अंजाम हो गया। जिस शख्स के लिए घर वालों को छोड़ा उसी ने जान ले ली। ये मनाजिर जुबैदा मंजिल के हैं, जिसकी चौथी मंजिल पर साबिक शौहर ने बीवी को धक्का देकर गिरा दिया। अहले खाना कहते हैं कि 19 साल मरियम ने आदिल से पसंद की शादी की थी। कुछ माह से झगड़ा चल रहा था, आज भी पैसों का तनाजा हुआ तो आदिल ने कत्ल कर दिया। ऐसे ही 1500 रुपए के पीछे लड़ाई हुई है इन लोगों की। ये लोग नीचे लेकर उतरा, बोला चला मेरी बहन वाला, चल मैं तो नीचे जल के 1500 रुपए मोबाइल लपा के देती हूँ, ठीक है ना। इससे ये बात हुई है, इसमें वो बाहर निकले उठा के छोटे से नीचे फेंक दिए। अरे कल भी आया था, कल क्या रात को आया था, रुका सब सही था सब कुछ, बस सुबह इन लोगों की आपस में बहस हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने 4 माह कबल मरियम को तलाक दे दी थी। गुरिश्ता शब अपने इकलौते बच्चे से मिलने आया था और बीवी पर इल्जाम लगाया कि उसने जेब से पैसे निकाल लिए हैं। उनसे मालूम की जो मजीद उन्होंने बताया कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है, 4-5 महीने हुए और ये सिक्योरिटी गार्ड में भी है और ये बैको भी चलाता है। मजीद उसको गिरफ्तार करके ले आए हैं और उन घर वालों से पूछे इस चीज़ पर मसला हुआ, उन्होंने बताया कि पैसे मांगने से ये मरियम के अहले खाना के मुताबिक मरियम 1 साल से नाराज होकर अपने महके में रह रही थी। इससे कबल मकतूला के साबिक शौहर ने इसी घर से खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी।